अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वर्क बुक का नेक्स्ट पेज करेंगे। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 3। ये आपने जो पज़ल है ये खुद कंप्लीट करना है। आपको नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है बॉडी ऑर्गन्स की, क्रॉस वर्ड की, वो आपको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पे, दिस इज़ अनदर नेम ऑफ विंड पाइप। दिस गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स। फर्स्ट में आपने विंड पाइप, अदर नेम ऑफ विंड पाइप। सेकंड में क्या है? लंग्स है, लंग्स लिखना है आपने, विंड पाइप लिखना है आपने। और थर्ड पे क्या है हमारे पास? रिलैक्स्ड मसल्स। रिलैक्स्ड मसल्स को क्या बोलेंगे? हमने ये मसल्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। तो इसमें हमारे पास जो एक दो तरह के हैं, रिलैक्स मसल्स क्या हैं? आर लॉन्गर, कि वो मतलब लॉन्गर होते हैं। इसमें दो तरह के हमने मसल्स पढ़े थे, इसमें रिलैक्स मसल्स आर लॉन्गर। अच्छा, फोर्थ में दिस प्रोडक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द, मतलब ये जहाँ पे आपने नाम लिखनी है कि लंग्स, दिस प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। ये आपने बुक में हमने पढ़े हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं वहाँ से कि लंग्स और इसको हार्ट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मसल्स आर शॉर्टर, और इसमें वो ऑर्गन्स के नाम, पोजीशंस अराउंड द हार्ट। दिस ऑर्गन इज़ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है? वो कौन सा हमने पढ़ा था? नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या था? ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो ब्रेन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये आपने अपनी बुक से। और दीज ऑर्गन्स आर पोजिशन अराउंड द हार्ट, वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हार्ट, मतलब पोजिशन अपनी हार्ट के अराउंड, वो ऑर्गन, एक तो लंग्स है जिसकी हार्ट के, और दीज ऑर्गन इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स। कौन से, मतलब फोर चैम्बर्स, वो हार्ट है जिसको फोर चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, वो आप उसकी पिक्चर में, ब्रेन की पिक्चर में देखिएगा कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा है, वो है फ्रंटल लोब, वो आपने लिखना है। दिस प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। लंग्स को और हार्ट को क्या प्रोटेक्ट करता है, वो भी आपने, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है तो वो इसमें आएगा। अब उसके बाद है ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प फ्रॉम द पम्प। विदाउट ऑक्सीजन जो है ब्लड हमारा, विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अनदर नेम ऑफ, अच्छा, इंटेस्टाइन का अदर नेम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, लार्ज, यानी कि अदर नेम इंटेस्टाइन का पार्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें डाइजेस्टिव ही आएगा, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कह सकते हैं, इंटेस्टाइन। ओके, इसका अदर नेम क्या है? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपने 8 पे जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे लिखना है। जो लंग्स डैश व्हेन यू ब्रीथ, जब मतलब हम सांस लेते हैं, व्हेन यू ब्रीथ, तो हमारे लंग्स क्या होते हैं? लंग्स बिगर। ओके, दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट। अब ये हमने बताना है कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि मूवमेंट्स और बैलेंस को मतलब कंट्रोल करता है। ये हमने उसके जितने भी पार्ट्स थे उसमें पढ़ा था ना, तो बैलेंस एंड मूवमेंट को सेरिब्रम मतलब करता है, तो आपने सेरिब्रम इसमें लिखना है। द डैश इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर। अब कौन सी इंटेस्टाइन जो है लॉन्गर है, इज द लॉन्गर ऑफ द टू, द डैश इंटेस्टाइन लार्ज। ठीक है, कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कॉन्सेप्ट।
ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर ऑफ द टूथ। ओके, ये आपने सारे जितने भी हैं जो दिए हुए हैं, ये आपने एक पज़ल में ये लिखने हैं, इसमें जो मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं वो आपको बुक से मिल जाएंगे, उनके आंसर वो भी इन पज़ल्स में आपने कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।